गण गणपताय नमः। ओम महालक्ष्मय नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। आज शुक्रवार है 4 दिसंबर 2015, महामाई का दिन है, इसलिए समुद्र तट पर बैठी हुई महालक्ष्मी माँ काली और माँ सरस्वती को प्रणाम करके जरूर आई। घर में धन धान्य सरस्वती विद्या की देवी और काली शत्रुनाशक आपका उद्धार होगा। साथ ही में पूर्व फागुनी नक्षत्र और कन्या राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल, 10:30 in the morning to 12 o'clock। तो आइए बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि वाले विद्यार्थी और कहीं ना कहीं शिक्षार्थी, उनके लिए दिन बहुत ही सुंदर है। शेयर मार्केट का आज आखिरी दिन होता है, इसलिए उनको भी धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं कौटुंबिक समस्याएं भी खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपका 70 से 75% उत्तमता भरा दिखाई देता है। माँ की आराधना करें, माँ महालक्ष्मी की या वैष्णो देवी की, लाल रंग का उपयोग करें और आज का भाग्य अंक है 5। अब बात करते हैं वृष राशि की। शुक्रवार है और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। कहीं ना कहीं शुक्र देवता का और नवग्रहों का और दैत्यों का आपके ऊपर आज आशीर्वाद बना हुआ है। माहौल बहुत ही सुंदर है, यहाँ जाएंगे धन वर्षा, यहाँ जाएंगे लक्ष्मी का अपरंपार आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। व्यापारियों को धन लाभ के योग बनते हैं, स्त्रियों को सामाजिक प्रतिष्ठा के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आई वुड से कि शुक्रवार जो है आज आपकी राशि, इट इज़ द डेज बेस्ट राशि, 90% उत्तमता भरा दिन। भगवे कलर का इस्तेमाल करें और आज का भाग्य अंक है 8। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की बात करते हैं। समय जरूर अनुकूल है, मगर समय की अनुकूलता जो है वो 3 बजे के बाद खराब हो जाएगी। ध्यान से रहें, 3 बजे के बाद कोई किसी को प्रॉमिस मत करें, किसी के साथ ज़्यादा मेल जोल मत रखें और कोशिश करें कि फ़ोन के ऊपर भी कम से कम बात करें। व्यापार में वृद्धि के योग 3 बजे तक हैं, 3 बजे के बाद में कोई नुकसान के योग हैं, इसलिए मिश्रित फल लेकर आया हुआ आज का दिन 40 से 50% उत्तमता भरा है। ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, नीले कलर का, और साथ में आज का भाग्य अंक है 3। अगली राशि पर बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। तीसरे घर में बैठा हुआ चंद्रमा पराक्रम कराएगा आपको, आज परिश्रम कराएगा, जोर लगाकर आप दिन को शुभता की तरफ ले जाएंगे। वातावरण अपने आप अनुकूल हो जाएगा, मगर 12 बजे तक कुछ निराशा, कुछ अननेसेसरली डिप्रेशन रहेगा। व्यापारियों से भी अनुरोध है कि 12 बजे तक जोर लगाएंगे तो दिन अपने आप शुभ होता जाएगा। माहौल सुंदर बना हुआ है, इसकी शुभता इतनी अच्छी है कि इसको आप थोड़ा सा पराक्रम और परिश्रम करेंगे तो आगे ले जाएंगे। संतान पक्ष से कोई बड़ा लाभ मिल सकता है आज आपको। 70% उत्तमता भरा दिन, सफ़ेद रंग का उपयोग करें और साथ में आज का भाग्य अंक है 8।